ममता दी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। लाइफ में हमेशा खुश रहने का असली फंडा पता है क्या है? हमारी लाइफ में हमेशा दो पल आते हैं, एक अच्छा पल और दूसरा बुरा पल। लाइफ के जो भी अच्छे पल हैं बस उन्हें ही याद रखें, और लाइफ में जो भी बुरे पल हैं ना हमेशा के लिए उन्हें भूल जाएं। क्योंकि लाइफ के जो बुरे पल होते हैं ना उसकी वजह से हम लाइफ के अच्छे पलों को भी खो देते हैं। लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना खुशी पाने के लिए करते हैं, और खुश रहना ही ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ अलग हो, कुछ खास हो, तभी हम खुश रह सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव जीवन ना बस एक बार ही मिलता है, इसलिए ना हम हंसते मुस्कुराते भरपूर जीवन का आनंद लें। क्योंकि सभी को पता है ना कि समय बहुत कीमती है, अगर एक बार निकल गया ना तो फिर वापस नहीं आएगा। क्योंकि जीना तो हर हाल में ही है, चाहे खुश रहकर जियो चाहे दुखी रहकर जियो, इससे अच्छा मुस्कुरा कर जीने में हर्ज ही क्या है। क्योंकि लाइफ ना हमारी इतनी बड़ी है ना, और आगे क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता कि क्या होगा आगे। फ्रेंड्स, हम सभी लाइफ में जो भी करते हैं ना उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि सभी की लाइफ अलग होती है, जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। क्योंकि सभी की लाइफ में अलग अलग परेशानियाँ हैं, संघर्ष है, मेहनत है। मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कुछ भी करने के पहले इतना डर, मतलब अभी मेरे को वीडियो स्टार्ट करनी थी ना उसके पहले इतना डर लग रहा था कि क्या होगा, स्टार्ट करूँगी कोई गलत कमेंट्स कर देंगे, ये कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं क्या सही बोल रही हूँ, मतलब ऐसे क्या निगेटिव थाट्स माइंड में आते हैं, इतना डर है ना माइंड। मैंने अब तो सोच रखा है कि मुझे तो वीडियो बनानी है, चाहे आगे चलकर रिजल्ट कुछ भी हो, कोई कुछ भी सोचे मेरे बारे में, क्या बोल रही कैसे बोल रही, बोलता रहे जिसको जो बोलना है। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बातों में बताना ही भूल गई मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं बिरयानी बना रही हूँ, शुद्ध देसी स्टाइल बिरयानी। मैं हफ्ते में एक दो बार जरूर बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए कितनी जल्दी मेरी बिरयानी रेडी हो गई। बिरयानी बनाने के बाद ये देखिए आटा लगा रही हूँ, बस आटा लगाने के बाद पराठे बनाऊंगी, और पराठे के साथ ही बनाएंगे शुद्ध देसी स्टाइल टमाटर की चटनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में दो लाइन बोलना चाहूँगी, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, ज़रूरत नहीं कश्ती बदलने की, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। जय माता दी।